हेलो गाइस, मैं हूँ काजल और आप देख रहे हो काजल के किचन। तो आपने बहुत तरीके से कटहल बनाया होगा, खाया होगा, बट एक बार आप मेरे तरीके से बना के देखना तो आपको कटहल जो है बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए कटहल बनाने चलते हैं अपना। तो मैंने यहाँ पे कुकर में पानी चढ़ा दिया है, गैस की फ्लेम को हाई कर देते हैं। तो मैंने इसको धो के अच्छे से मैंने इसको धो लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह हो रही है, बारिश के दिन चल रहे हैं। और मैंने ये ग्रेट करके जो है अदरक यहाँ पे रखी हुई है, और जो इसका ऊपर का छोटा सा ये जो भाग होता है ना, ये बहुत ज़्यादा हार्ड सा लगता है, तो इसको हम निकाल देंगे। तो देखिए मैंने निकाल के एक साइड कर दिया है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको नहीं अच्छा लगता हो तो आप भी निकाल सकते हो। तो पानी हमारा जो है हल्का सा भाप उसमें आने लग गई थी, तो हम इसके अंदर डाल देंगे फिर अपने सारे कटहल। एक बार जैसे मैं बना रही हूँ, बहुत यूनिक तरीका है बना के, आप भी देखना। तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी ग्रेट की हुई थोड़ी सी, 1 इंच की अदरक थी वो मैंने डाल दी है, छोटा सा टुकड़ा था। और ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी, थोड़ा सा इसके अंदर फ्लेवर अच्छा आ जाए, नमक। और नमक डालने के बाद आप इसको स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हो अपने। अब हल्की सी मैं डाल दूँगी हल्दी। हल्दी डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ी सी काली मिर्च, इसका फ्लेवर जो है ना बहुत अच्छा आता है। तो एक बार ये ज़रूर बना के देखिएगा जैसे मैं बना रही हूँ। तो इसको अच्छे से हिला देंगे ताकि सब चीज़ एक दूसरे में मिक्स हो जाए। और कुकर का ढक्कन लगा के इसके अंदर लगाएंगे हम 1 सीटी। तो 1 सीटी जब लग जाएगी हमारी, तो जब तक हम अपना सब कुछ काम कर लेते हैं। यहाँ पे 2 टमाटर, 2 मैंने प्याज लिए है, क्योंकि जो लग चुकी है हमारी, इसको बंद कर देती हूँ मैं। यहाँ पे मैंने तेल चढ़ा दिया है, और ये देखिए मैं इसको एक जगह निकाल लेती हूँ अच्छे से। और इसका पानी को हमें फेंकना नहीं है, तो थोड़ा मैंने तेल जो है कम कर लिया है। और ये देखो हमारे कटहल जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इसको हमें हल्का सा ही जो है फ्राई करना है इसके लिए। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम सारे कटहल जो है इसके अंदर डाल देना, आराम से डालना, क्योंकि गीला है तो छींटे वगैरह आ सकती है, जलने का चांस थोड़ा है, मतलब कि थोड़ा जल ना जाए। तो किचन में आराम से काम करना चाहिए। तो हमें जो है पलटते पलटते हुए इसको अच्छे से जो है ब्राउन कर लेना है। तो थोड़ा सा फटाफट से एक लाइक कर दीजिए वीडियो अगर अच्छी लग रही है, तो कमेंट्स बॉक्स में भी अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दिया करो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। बार बार मैं यही बात बोलती हूँ। देखिए कितने अच्छे से जो है हमारा कटहल बनके जो है सिक के रेडी हो चुका है, देख रहे हो आप कितना अच्छा इसका टेस्ट आने वाला है। तो मैं इसको अब एक प्लेट में जो है निकाल देती हूँ। अब आप बोलोगे कटहल कभी उबालना है कभी तलना है, तो थोड़ा सा अगर हलवाई स्टाइल में बनाना है ना, तो ऐसा कुछ करना ही पड़ेगा। देखिए मैंने पानी को जो है अलग से रखा हुआ है, तो मैंने तेल इसके अंदर डाल दिया है उसी कढ़ाई में थोड़ा सा। तब मैं डाल दूँगी इसके अंदर जीरा, जीरा थोड़ा सा ब्राउन होएगा तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी प्याज, बिल्कुल फाइन चॉप करी हुई, हाथ से इसको अच्छे से आपको चॉप कर लेनी है, अच्छे से मतलब काट लेनी है। इसको भी हल्का सा हमें सौते करना है, आपका टेस्ट सब्जी में इसलिए अच्छा आता है ताकि आपकी प्याज जो भुन जाए अच्छे से। अब प्याज हमारे के साथ साथ हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन। अदरक मैंने इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने अदरक जो है वो उबालते टाइम जो है डाल दी थी, तो उसका फ्लेवर आ रखा है अदरक का। तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी अब कटा हुआ टमाटर और 2 हरी मिर्ची। हरी मिर्ची आपकी ऑप्शनल है, अगर आपको डालना हो तो डाल दीजिएगा, नहीं डालना हो तो स्किप कर दीजिएगा। तो देखिए इसको अच्छे से जो है सबको चला देंगे ताकि एक दूसरे के अंदर अच्छे से फ्लेवर इसके अंदर आ सके सबका टेस्ट। जैसे मैं टमाटर डालती हूँ आपको तो पता ही है, फिर मैं डाल देती हूँ अपने सारे मसाले। तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी फिर लाल मिर्ची। लाल मिर्ची थोड़ी सी आप देख कर डालना, क्योंकि हमने उबालते टाइम भी जो है काली मिर्ची का इस्तेमाल किया था, हरी मिर्ची भी डाली है और लाल मिर्ची डाल दें। अब मैं डाल दूँगी हरा धनिया। हरा धनिया के बाद मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक, क्योंकि उबालते टाइम भी जो है हमने उसके अंदर नमक डाला था, तो नमक ज़्यादा ना हो जाए इसके लिए आपको नमक को देख के डालना है, क्योंकि उबालने के टाइम पे भी हमने नमक डाला था। तो जो ये हमने पानी लिया था ना, वही पानी में इसको टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए डाल दूंगी, क्योंकि उसके अंदर पानी के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर है, उसी फ्लेवर का जो मज़ा है ना वो हमारे कटहल में आने वाला है। तो हमको देखिए मसाला जो है अच्छे से बन के रेडी हो गया है हमारा, मसाले ने भी तेल छोड़ दिया है, तो समझो हमारा मसाला पक गया। मसाला पकने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूंगी कटहल, कितने अच्छे से जो है ब्राउन हो, कितना अच्छा लग रहा है। तो इसको भी जो है अच्छे से हमें हिलाना है ताकि सारा फ्लेवर जो है हमारे कटहल में आ सके। ये देखिए कितने अच्छे से जो है ये बन के रेडी होगा, इसका टेस्ट बिल्कुल अलग ही आएगा, बहुत टेस्टी आएगा। तो इसको ढक के थोड़ा सी देर पकाएंगे, और 5 मिनट बाद मैं देखूंगी
पे इसने देखो तेल जो है रिलीज़ कर दिया है कटहल ने। कितना अच्छा लग रहा है, कितना यम्मी लग रहा है, 5 मिनट बाद देखा मैंने। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी हरा धनिया, हरा धनिया से इसको गार्निश कर देंगे। फटाफट से ये बन जाता है कटहल, क्योंकि हमने इसको उबाल लिया है तो जल्दी ये बन गया है। तो देखिए इसको सबको हिला देते हैं। अगर आपको मेरी कटहल की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, एक लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी है। अगर आपने मेरा चैनल पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब करें, बिना नहीं जाइए। मानसून में आप कटहल खा के मजे लीजिए, मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेके हाजिर होती रहूंगी। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और मानसून का मजा लीजिए कटहल खा के। आप भी 5 मिनट बाद इसको सर्व करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को पहली बार देखकर सब्सक्राइब कर दीजिए।